हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल खैरियत से होंगे, मुझे बिल्कुल अच्छी उम्मीद है आपसे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन। और यहाँ पे आज कोई व्लॉग नहीं बन रहा, कोई सालन नहीं बन रहा, कोई कपड़े प्रेस नहीं हो रहे हैं, कोई दाल को तड़का नहीं लग रहा है, कोई कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं, कोई बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई दवाइयों शवाइयों के किससे कुछ भी नहीं। आज मैं आपके साथ अपना दुख शेयर करने आई हूँ। मेरा जो व्लॉगिंग वाला जो स्टैंड है ना, वो हरम ने तोड़ दिया है। तो मैं बड़ी परेशान थी यार, व्लॉगिंग कैसे करूँ। पिछले अच्छा जो मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी ना, उसकी जो एडिटिंग कर रही थी, मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मैं इतने सदमे में चली गई, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, इतना महंगा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर पता है क्या बात है, कोई एक चीज़ एक आप रोज़ कोई चीज़ मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और आपके यूज़ में है, और वो कोई टूट फूट जाए, फिर उसको मंगाने के लिए नई कोई चीज़ लाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मैं बड़ी परेशान थी यार, अब क्या करूँ। नया अच्छा एक पास से सोसाइटी में जो है वो शॉप है, उधर पता करने गई तो वो जनाब स्टैंड भी 2200 का, उसके साथ एक रिंग लाइट, मैंने कहा चलो इस दफ़ा रिंग लाइट भी लेते, कभी कोई टिकटॉक बना लेंगे उसके ऊपर। टिकटॉक तो वैसे ही बैन हो गया, तो वो बना लूँगी। तो मैं बाय करने के लिए गई हूँ, तो जनाब वो 2200 का स्टैंड दे रहे हैं और 2200 की जो रिंग लाइट है। मैंने कहा भाई बस बस सारे पैसे इधर ही लगा दो, तुम मेरी जेबें खाली करके दे जाओ, ख़त्म कर लो अपने आप। वो भी नहीं लेके आई। फिर मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया, जब दराज से जनाब ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी आपके साथ, और आपको दिखाऊँगी रिंग लाइट कैसी है, स्टैंड कैसा है, और अपना रिव्यू दूँगी इसके ऊपर। तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि बस जो मेरा ये वाला स्टैंड है ना, ये बजे बस। तो ये है जनाब रिंग लाइट और स्टैंड इसका, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और अब मैं इसको ओपन करूँगी। अच्छा पैकिंग जो है, अच्छा मैंने दराज से जितनी भी चीज़ें मंगवाई हैं ना, उसकी पैकिंग जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रैप किया होता है। तो ये है कि चलो जो भी कोई चीज़ होती है उसके टूटने का जो है वो ख़तरा कम से कम रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्टैंड। 7 फीट इसकी हाइट है, और जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि काफ़ी मजबूत है। अभी मैंने इसके ऊपर रिंग लाइट लगाई नहीं है, मैं अभी आपको इसकी हाइट दिखा रही हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बड़ा ज़बरदस्त था जो है वो स्टैंड है, और काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी मैं इसके ऊपर जो है इसकी लाइट जो है वो हैंग करूँगी। ये है इसकी लाइट, और ये है इसकी रिंग लाइट। अच्छा मैं काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोच रही थी, रिंग लाइट ऑर्डर कर दूँ, लेकिन वो बस कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी मैंने स्टैंड क्योंकि टूट गया था, तो मैंने सोचा चलो स्टैंड के साथ इसकी रिंग लाइट भी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये है जी इसकी रिंग लाइट। अच्छा इसके साथ इसका होल्डर लगा हुआ है, और अभी इसको मोबाइल को लगा के इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है, और इस ये मोबाइल जो है इसकी ग्रिप कैसी है इसके ऊपर। उसके साथ एक होल्डर भी मिला है ये स्टैंड के ऊपर लगाने के लिए। अच्छा जी ये है रिंग लाइट, और स्टैंड जो इसका है वो 7 फीट का है, वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया हुआ है। अभी मैं इसको अपने रूम में ले आई हूँ। इसके साथ ये होल्डर है, होल्डर लगाया है, होल्डर के ऊपर इसको लगाया है, और इस तरह जो लाइट है वो उसके ऊपर सेटल कर दी है। मैंने इसके ऊपर मोबाइल भी सेट करके देखा है, ये काफ़ी अच्छा है, और इसको मोबाइल को इसमें अच्छे से होल्ड कर लिया है। ये नहीं है कि जो मोबाइल है वो सामने से आके गिरे। मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे देखा, दराज.com पे अच्छी तरह से मैंने रिव्यू लेके फिर मैंने इसको मंगवाया, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे
कस्टमर थे काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे ऑर्डर करना था, और ऐसी मतलब ऐसे काफ़ी वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे जिनसे लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे काफ़ी रिंग लाइट और स्टैंड, तो वहाँ पे उन्होंने रिव्यू दिए हुए थे कि स्टैंड जो है वो सामने से आके गिर जाता है, एक जगह पे होल्ड नहीं करता। मेरी बेटी थोड़ा पीछे शोर कर रही है, तो इसकी वजह से तो मैंने फिर काफ़ी अच्छी तरह से इसको सर्च करने के बाद मैंने ये ऑर्डर किया था। और अभी मैं इसके अच्छा इसके साथ चार्जर कोई नहीं मिला, ये इसकी वायर है ऐसे, और चार्जर जो है वो मैंने अपना फ़ोन का यूज़ किया है। अभी इसको मैंने साथ प्लग के लगा दिया है और यहाँ से मैं इसको ऑन करने लगी हूँ। यहाँ पे ये ऑन का बटन है, ये माइनस का और ये प्लस का है, इसका मुझे नहीं पता ये प्लस माइनस क्यों है, ये मुझे लगता है फ़्लिप करने के लिए, तो अभी मैं देख लेती हूँ। ये मैं इसको ऑन करने लगी हूँ। अच्छा अभी शायद कैमरे में कलर ना आ रहा हो, ये अच्छा जी तो ये है इसकी रिंग लाइट का कलर, ये मेरे ख्याल में वार्म और वाइट जो है वो दोनों मिक्स है, और अभी मैं इसको चेंज करूँगी। ये वाइट कलर है और नहीं अच्छा मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा ये वाइट कलर है और ये वार्म कलर है, और ये वार्म एंड वाइट जो है वो दोनों मिक्स है, ठीक है। तो जो जो मैं इसको चेंज करती जाऊँगी आप देखते जाएंगे कि मेरे जो फेस के ऊपर इसके कलर्स आ रहे हैं ना वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ तो मेरा फेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। और हरम में मेरी बहुत ज़्यादा तंग करी है, वीडियो नहीं बनाने दे रही, मैं भी आपको दिखा देती हूँ साथ साथ, ये देखिए। तो मुश्किल से मैं वीडियो बना पाई हूँ। अच्छा पहले जब मैं रख रही थी ना, अच्छा जी बीच में हरम ने वीडियो जो है वो बंद कर दी थी, और अभी भी वो मुझे स्टिल तंग ही कर रही है और बिल्कुल वीडियो बनाने नहीं दे रही है। तो अभी मैं आपको फिर से चेंज करके दिखा देती हूँ इसके ये सारे कलर्स, और बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है, और आप खुद भी देख सकते हैं। और अभी भी ये मुझे स्टिल तंग ही कर रही है, शी स्टिल अनॉइंग मी। हरम कम है, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, ये देखो अच्छा लो। अभी उसको जी बटन प्रेस करने हैं और इसको ऊपर नीचे ख़राब करना है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच, अब मैं यहीं पर वीडियो एंड करी हूँ, उससे पहले कि हरम एकदम फिर बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय से बाय बाय, इधर आओ, इधर आके बाय बाय करो से बाय बाय बाय।